नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एंड गैजेट्स के एक और एपिसोड में, जहां मैं आपके लिए लाता हूं टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरीके से अपने फोन की स्टोरेज को सेव कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अक्सर हमारे फोन की स्टोरेज जो खत्म होती है वो होती है जो व्हाट्सएप से हमारा मीडिया डाउनलोड होता है, तो हम किस तरीके से व्हाट्सएप का मीडिया डाउनलोड रोक सकते हैं और कौन सा वो टिप है, आइए हम बताते हैं आपको फोन स्क्रीन पे। तो अगर आपके पास है दोस्तों iOS यानी कि एप्पल का फोन, तो आपको जाना है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में आप जैसे ही सेटिंग्स में जाएंगे, तो जैसे ही दोस्तों आप नीचे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, तो आपको सेटिंग्स के अंदर दिखेगा डाटा एंड स्टोरेज यूजेज। आप जैसे ही डाटा एंड स्टोरेज यूजेज पर जाएंगे, वहां पर आपको सारे पैरामीटर्स मिलेंगे कि कब डाटा डाउनलोड आपका होगा। बाय डिफॉल्ट दोस्तों अगर आप ये देखेंगे तो ये डाउनलोडेड रहता है कि अगर आप वाईफाई पे हैं तो ऑडियो वीडियो और डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम बिंदास तरीके से डाउनलोड हो जाते हैं जैसे ही वो आते हैं। और अगर आप फोटोज़ की बात करें तो वाईफाई और सेलुलर दोनों ही नेटवर्क्स पे आपका इमीडिएटली फोटोज डाउनलोड हो जाती हैं। तो मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने क्या किया। मैं इमीडिएटली सबको कर देता हूँ नेवर पे, यानी कि ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड मेरा कभी भी व्हाट्सएप पे नहीं होगा। तो जैसे ही कोई फाइल आती है ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे डाउनलोड नहीं होगी, मैं उस चैट में जाऊंगा, अगर मुझे वो डाउनलोड करना होगा मैं तभी डाउनलोड करूंगा। तो इससे आपका काफ़ी डेटा बचेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप पे और आपको लगता है कि आपका डाटा बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है, तो आप लो डाटा मोड यूजेज ऑन कर सकते हैं। ये फोटोज और वीडियोज की सेटिंग से दोस्तों आपकी बहुत सारी जो फोन की स्टोरेज है वो बचेगी, क्योंकि आपका फालतू डाटा डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास दूसरी तरफ है एंड्रॉयड, तो सेम तरीके से आप एंड्रॉयड के अंदर व्हाट्सएप में जैसे ही जाएंगे, आप व्हाट्सएप में जाकर के जाएंगे ऊपर एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करके थ्री डॉट्स के ऊपर आप जाएंगे उसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है डाटा एंड स्टोरेज पे, डाटा एंड स्टोरेज यूजेज पे। जैसे आप वहां पर जाएंगे सेम तरीके से आपको यहां पर मीडिया ऑटो डाउनलोड के अंदर ऑप्शंस मिलेंगी व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा। यहाँ पर आप कर दीजिए सभी चेकबॉक्सेस को, बाय डिफॉल्ट आपके ये चेकबॉक्सेस ऑन होते हैं, इन चेकबॉक्सेस को आप ऑफ कर दीजिए तो ये मोबाइल डाटा पे आपका कोई भी डाटा डाउनलोड ऑटोमेटिक नहीं करेंगे। सेम तरीके से वाईफाई डाटा पे भी कोई डाउनलोडिंग नहीं करेंगे, और सेम तरीके से आप रोमिंग के ऊपर भी अपनी डाउनलोडिंग ऑफ कर दीजिए। तो अगर इन सब चीज़ों को आप ऑफ कर देंगे, तो जैसे ही आपको चैट में कुछ आएगा तो बाय डिफॉल्ट आपका कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा। जब आपको ज़रूरत होगी कुछ डाउनलोड करने की, सिर्फ तभी आप डाउनलोड करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बहुत सिंपल सी टिप पसंद आई होगी। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको दोबारा मिलूंगा ऐसा ही एक वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। गुड बाय।